जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन की सीरीज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए राहु के नक्षत्र के परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि जो कि जिसके स्वामी होते हैं मंगल देव, और राहु मंगल के मित्र तो बिल्कुल भी नहीं है। राहु को अगर आप देखें अपनी कुंडली में, ये वृश्चिक राशि की कुंडली, और यहाँ राहु जो विराजमान है वो उनके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि काफी शुभ स्थिति है। और अभी राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु जो है 16 मार्च 2025 तक रहेंगे। 8 जुलाई को ये इस नक्षत्र में आए और एक एक करके इनके चरण बदलते जाएंगे। 16 अगस्त को उनका तीसरे चरण शुरू होगा। देखिए, राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो नक्षत्र भी उल्टी चाल से ही शुरू होंगे, पहले चौथा, तीसरा, दूसरा और एक फिर पहला। तो अभी जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है शनि के नक्षत्र में, इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के 27 नक्षत्र हैं, उनमें 26वां नक्षत्र ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, जिसमें राहु गोचर कर गए हैं। और ये बहुत ही एक शुभ स्थिति है, क्योंकि राहु जो है वो एक तरह से शनि के ही छाया ग्रह है, यानी राहु अपने स्वामी के नक्षत्र में गए हैं, मित्र के नक्षत्र में गए हैं। एक तरह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है राहु का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाना। ये जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है ये अध्यात्म से जोड़ता है व्यक्ति को, ये गहराई तक लेकर जाता है, ये बदलाव दिखाता है। और जो शनि है, शनि का भी इफेक्ट यहां मिलेगा, क्योंकि शनि का नक्षत्र है। शनि क्या है? शनि भी बदलाव दिखाते हैं, शनि न्याय दिखाते हैं, शनि करियर दिखाते हैं, शनि आपके जो जीवन है उसमें कर्म को भी दिखाते हैं। और किसकी राशि में है? गुरु की राशि में, 12वीं राशि जो कि मीन राशि होती है। मीन राशि में राहु विराजमान है, जो गुरु बृहस्पति की राशि है, तो गुरु की राशि में विराजमान है। इस तरह से कई कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ना तो शनि उनके मित्र हैं, ना राहु उनके मित्र हैं, लेकिन फिर भी वो बाध्य हैं कि उनको अच्छे रिजल्ट देने हैं। बाकी यहाँ आपकी जो बर्थ चार्ट है, उस प्लैनेट की भी, वहां पर जो प्लैनेट कहाँ किस तरह बैठे हैं, वो भी स्थिति डिपेंड करती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये पोजिशन अच्छी है। राहु को अगर आप देखें तो राहु को मायावी ग्रह कहा गया है। राहु नव ग्रहों में अकेला ऐसा ग्रह है जिसको मायावी ग्रह कहा गया है। मायावी क्यों कहते हैं? क्योंकि राहु में वो ताकत है जो अचानक से चीजों को बदल सकता है। राहु लिमिट क्रॉस करने के लिए मजबूर करता है। राहु के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। राहु की सोच एकदम ऊपर तक जाती है, लेकिन यानी कोई राहु के जो तृप्ति है वो है ही नहीं। राहु तभी तो ऐसे चीजों को जन्म देता है, जो क्रिएशन होती है, जो इन्वेंशन होते हैं वो राहु जन्म देता है। क्योंकि राहु क्या है? राहु बाउंड्री क्रॉस कराता है। और इन्वेंशन कब होते हैं? जब हम लिमिट क्रॉस करते हैं, जब हम बाउंड्री क्रॉस करते हैं। तो ये राहु है। राहु रंक को राजा और राजा को गरीब बना सकता है। इतनी पावर राहु में होती है। रिजल्ट बहुत अच्छी देता है, रिजल्ट बहुत जल्दी देता है। खराब हो तो भी जल्दी रिजल्ट, और अच्छा हो तो भी जल्दी रिजल्ट। अब ये जो पंचम भाव है, ये आपका किस चीज का भाव है? ये शेयर मार्केट का है, प्रेम का है, संतान का है, शिक्षा का है, पूर्व जन्मों का है। और इसके अलावा जो शनि है वो आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है। ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, दो भाव के स्वामी है। राहु की तीन दृष्टियां भी है। राहु यहां से आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव को भी देख रहे हैं। बड़ी अच्छी पोजिशन बन गई। साथ में शनि यहाँ अपनी ही राशि में विराजमान है, केंद्र में, यहाँ शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में राहु कोई राजयोग बना रहे हैं, तो इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन से वो राजयोग भी एक्टिव होगा, जो चांस देगा आपको बहुत अच्छे चीजों को प्राप्त करने का। अब आपको क्या मिलने वाला है? तो इस अवधि में जो इस राशि के जातक कमीशन बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा प्रॉफिट वो कमा पाएंगे। जो भी जातक फाइनेंस से जुड़े हुए काम करते हैं, जो भी शेयर मार्केट कमीशन से जुड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अकाउंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। यहाँ राजयोग भी काम करेगा,
और ये धन लाने का भी कार्य आपको करेगा। तो इन लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बदलाव तो होना तय ही है कि बड़े बड़े बदलावों का कारण तो राहु बनेंगे ही, क्योंकि राहु का नाम ही दूसरा बदलाव है, तो बदलाव के कारण तो बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि ये पंचम भाव संतान का भाव भी होता है, तो संतान के प्रति थोड़ी सी आपको यहाँ चिंता हो सकती है। संतान की तरफ से कुछ इश्यू आ सकते हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर आ सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर भी आ सकते हैं, तो उस तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है सारी चीजें पॉजिटिव ही होंगी, सारी चीजें आपको पॉजिटिव ही मिलेंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके कारक राहु नहीं है, मित्र ग्रह भी नहीं है आपकी राशि के स्वामी के, तो कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है, हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, तो हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, संतान के ऊपर भी थोड़ी हर तरह से आपको ध्यान रखना है, उनकी जरूरतों के लिए या उनकी एजुकेशन के लिए या उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या इन चीजों की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बाकी आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन राहु का इस नक्षत्र में जाना आपको उसके द्वारा अच्छे रिजल्ट दिलाएगा, क्योंकि अभी शनि अपनी ही राशि में विराजमान है और इसीलिए ये नक्षत्र परिवर्तन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छा, उपाय भी आपको करने हैं, लेकिन यहाँ देखिए लाभ आप अच्छे से प्राप्त जरूर कर पाएंगे, धन आने के चांसेस जरूर बनेंगे, क्योंकि धन तो राहु आपको देगा ही देगा, धन देने के लिए तो वो बाध्य है, धन तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। ये अब डिपेंड करता है बर्थ चार्ट के ऊपर भी थोड़ा, कि बर्थ चार्ट में प्लैनेट कैसे हैं। राहु का अगर कोई भी राजयोग है तो वो एक्टिव होगा और जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे 16 मार्च 2025 तक। उपाय मैं आपको बताती हूँ क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो देखिए, उपाय के तौर पर राहु के लिए सबसे बेस्ट जो उपाय होता है वो होता है शिव आराधना। भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए, मंदिर जाए, वहां भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव के पंचाक्षी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, तो उससे राहु के नेगेटिव इफेक्ट दूर होते हैं। दूसरा जो उपाय होता है वो होता है मछलियों को दाना डालना, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि मीन राशि में बैठे हुए हैं और ये जो एक मीन राशि में बैठना और साथ में मछलियों को दाना देना, ये उपाय भी बहुत ही ज्यादा होता है। एक चीज और याद रखें, अगर आपके घर में सर्वेंट हैं, काम करने वाले हैं, तो उनको समय समय पर खाने पीने की चीजें जरूर देते रहें, यानी उनकी हेल्प जरूर करते रहें, या उनके फाइनेंस से जुड़े हुए थोड़े बहुत पैसे देकर उनकी हेल्प करते रहें, क्योंकि जब आप अपने घर के सर्वेंट की, मेड की हेल्प करते हैं, काम करने वाले लोगों की हेल्प करते हैं, तो राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और वो चीजें अच्छी रहेंगी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मैसेज करें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। जय माता दी।